तो यार गाइस, अभी आप में से जो है काफ़ी सारे लोग ग्राफिक्स कार्ड लेने का सोच रहे होते हैं यार, अंडर ₹25,000। तो यार मार्केट में जो है काफ़ी अभी के टाइम पे लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब कि यार देखो, सबसे पहले तो यार बजट ग्राफिक्स कार्ड यानी कि 15, 16 और 12, 13,000 में जो ग्राफिक्स कार्ड्स आते थे उनके बारे में हम बात करना भूल ही चुके हैं, क्योंकि बेसिकली यार सब कंपनीज को पैसा कमाना है और वो यार उस सेगमेंट में जो है कोई ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं है। तो बेसिकली एटलीस्ट अगर आपको आज के टाइम पे पीसी बनाना ना, तो एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड अराउंड 23 to 25,000 फॉर गेटिंग अ गुड ग्राफिक्स कार्ड। तो भाई अब अगर आप 25,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हो तो भाई आपका पैसा पूरा वेस्ट ना हो। कौन सा ऐसा अच्छा जीपीयू जो आपको लेने चाहिए? वेल सर, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में, तो यार मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो गाइस, बेसिकली वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप सबका इंटरेस्ट है प्री बिल्ड पीसीज में, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं andpcs.com, जहाँ पे जो है आपको बेस्ट प्री बिल्ड पीसीज के डील्स देखने को मिल जाएंगे। तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड दिया हुआ है, अप्लाई करो और प्री बिल्ड पीसी खरीदो अपने लिए। अब गाइस, हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यार बेसिकली देखो, सबसे पहले तो जब मैं अंडर ₹25,000 के बारे में बात करता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कुछ 2-3 ग्राफिक्स कार्ड्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो मेरा आता है 1660 सुपर, 1660 Ti, RX 6600, RDX 2060 और तुम्हारा RDX 3050। अब बेसिकली यदि 4-5 ग्राफिक्स कार्ड जो है, इनका प्राइस जो है 20 to 25,000 के बीच में वैरी करता रहता है। गाइस अगर मैं आपको टाइम वेस्ट ना करूँ तो स्ट्रेट आपको फॉरवर्ड बता देता हूँ कि यार इन पांचों ग्राफिक्स कार्ड का जो मैंने नाम लिया ना, इनमें से सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड जो है आपका RX 6600 है। अब बेसिकली क्यों? क्योंकि भाई वो तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड ऑलमोस्ट RTX 3060 के कंपैरेबल में परफॉर्मेंस देता है, और RTX 3060 का प्राइस तुम्हारा 32 और 33,000 के करीब जो है अभी देखने को मिलता है NVIDIA की तरफ से। रे ट्रेसिंग भी जो है तुम्हें AMD के कार्ड्स में देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए तो आप RX 6600 की तरफ जा सकते हो, जो कि आपको 25,000 या 24,500 समथिंग का कुछ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा लोअर की तरफ चलूँ तो यार, अगर आपका बजट 20-21,000 है, तो आप 20-21,000 में एटलीस्ट एक 1660 सुपर ले सकते हैं 3-4 जगह मार्केट में जाके सर्च करके, ताकि कि आपको 1660 सुपर का बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। और अगर अभी आप MD कंप्यूटर्स चेक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको 1660 Ti 22,400 में मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन डील है। अब देखो, तीनों चारों ग्राफिक्स कार्ड में जो है 500 से 1,000-1,200 रुपये का फ़र्क है। ठीक है, तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है। सारे ही ग्राफिक्स कार्ड जो मैंने अभी आपको नाम बताए तीनों चारों, वो 1080p हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स के लिए केपेबल है 60 फ्रेम्स को रीच करने के लिए। तो अगर 1080p पे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो आप RX 6600 की तरफ जा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा सा और रे ट्रेस परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे AMD का सॉफ्टवेयर का दिक्कत लगता है, तो यू गाइस कैन गो विथ RTX 2060, जो कि ऑब्वियसली तुम्हारा मतलब 3050 से बेटर कार्ड है, क्योंकि 3050 अप टू द मार्क उतना नहीं है जितना RTX 2060 है। हाँ, तुम्हारा 3050 में जो है नए जनरेशन के RT कोर्स देखने को मिल जाते हैं, बट यार इन द परफॉर्मेंस इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा 3050 ज़्यादा फास्टर है, तुम्हारा 2060 स्टिल अ फास्टर कार्ड। और 3050 उसके लिए मैं कंसिडर करूँगा जिसको भाई लेटेस्ट चीज़ चाहिए, ज़्यादा पुराना कार्ड्स नहीं चाहिए, और उनको और उनका बोलना है कि यार नहीं भाई, हमें तो मतलब नए जनरेशन के कार्ड से चाहिए, हम जितना ओल्ड नहीं जाना चाहेंगे, तो वो लोग 3050 ले सकते हैं। बाकी स्ट्रिक्ट आपका बजट है लाइक 2021 और 2021 500 अगर आपका बजट है, तो 1660 सुपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर यू। थोड़ा सा ऊपर आओगे तो लाइक 22,000, 23,000 या 23,500 तक जो है आपको RTX 2060 देखने को मिल जाएगा। तो योर सेकंड चॉइस इज RTX 2060, एंड इफ योर बजट इज़ लाइक 25,000, तो यार आंख बंद करके जो है आप RX 6600 की तरफ जा सकते हो, जो कि जो है आपको बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो यार आपको कहीं कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे ग्राफिक्स कार्ड के मतलब ग्राफिक्स कार्ड की तरफ मत जाओ। RX 6500 XT, RX 6500, 6400 XT, जो 20,000 या 18,000 में मिल रहा है, अगर आपका बजट 18,000 है, तो यार थोड़ा सा और 2-3 हज़ार रुपये एनहेंस करो, RGB में पैसा मतलब थोड़ा एनहेंस करो, एंड टेक अ गुड ग्राफिक्स कार्ड, सो लाइक दैट कि आप गेम्स काफ़ी अच्छे और मजे से खेल पाए। सो यार गाइस, ये कुछ ग्राफिक्स कार्ड्स जो थे मैंने आपको बता दिया कि यार इन 2022 दिसंबर और इन 2023 जनवरी, आप अगर जनवरी में वीडियो देख रहे हो तो भाई नए साल और इस मतलब ख़त्म होने वाले साल के टाइम पे
बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड इन द मार्केट यही है और अभी 3 से 4 महीने भी यही रहने वाले हैं। बेसिकली कोई नया लॉन्च आने वाला है नहीं बजट सेगमेंट में। वेल सो गाइस, आपके क्या व्यूज हैं इन ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वेल सो गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।